नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, वैसे ही फिट रहेंगे पुलिस तभी तो भाग पाएंगे पुलिस, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यूपी में एक ऐसी ही मुहिम चल रही है। जी हां, यूपी में मोटापे से परेशान गोरखपुर के पुलिस कर्मियों को एडीजी के 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद उन्हें वजन और पेट कम करने के लिए योग सिखाया जा रहा है। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सुबह पुलिस कर्मियों के लिए योग का शिविर आयोजित हो रहा है। योग ट्रेनर बकायदा योग कराने के साथ उसके फायदे के बारे में भी पुलिस कर्मियों को बता रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि गोरखपुर के आला अधिकारियों ने ये तय कर लिया है कि गोरखपुर की पुलिसिंग स्मार्ट होने के साथ फिट भी रहेगी, जिससे वो खुद और दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे। गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने अनफिट पुलिस वालों को 10 दिन में पेट अंदर करने और फिट होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उनका ड्यूटी का समय भी बदलकर उन्हें सहूलियत देने के लिए कहा था। इसके साथ ही उन्हें फिट करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। गोरखपुर के मोटापे से परेशान पुलिस कर्मियों को योग सिखाया जा रहा है। योग ट्रेनर ये भी बता रहे हैं कि योग करने से मनुष्य निरोग और स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी को रोज योग करना चाहिए। वो ये भी बता रहे हैं कि ये अन्य लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करे। योग करने से काम करने के घंटे बढ़ने के साथ इंसान चुस्त और दुरुस्त बना रहता है, उसके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि योग करने के लिए आने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या भी अधिक है। हालांकि अनियमित दिनचर्या और टाइम बे टाइम खाने की मजबूरी की वजह से अधिकतर पुलिस कर्मियों को शुगर और बीपी की शिकायत होती है। ऐसे में उनका मोटापा बढ़ना स्वाभाविक होता है। गोरखपुर के एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि योगी पीटी परेड और नियमित अभ्यास का हिस्सा है। पीटी और परेड रेगुलर होता है, इसके बाद योगा के असीमित फायदे हैं। स्वास्थ्य दुरुस्त रहने के साथ मेंटल स्पेस को भी रिलीज रखता है। इसी क्रम में विशेषज्ञ को बुलाकर पुलिस लाइन गोरखपुर में योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन के रेगुलर जवानों के साथ सभी थानों के बढ़े हुए वजन और पेट वाले जवानों को भी बुलाया गया था। उनके लिए योगा के अभ्यास के साथ साथ खाने पीने के टिप्स दिए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे तो परिवार और समाज के साथ खुद को भी खुश रख सकेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।